প্রস্তুত কক্সবাজারে যাবার ট্রেন, প্রস্তুতির শেষ পর্যায়ে কক্সবাজারের আইকনিক রেল স্টেশন। প্রথম ট্রেন সময়সূচিও প্রায় চূড়ান্ত। কমলাপুর স্টেশন থেকে নতুন একটি ট্রেন রওনা দেবে কক্সবাজার। এটি হবে পর্যটন গন্তব্য কক্সবাজারে যাওয়া প্রথম ট্রেন। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एहसान खान। मैं हूँ अली मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहाँ भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। विफर्स चिटागोंग और फिर कॉक्स बाज़ार रेलवे स्टेशन, ये बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है। और फिर आपको बता रहे हैं कि बांग्लादेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, और फिर ये भी आपको बताएंगे, इसके ऊपर हमारे पास एक वीडियो क्लिप भी है कि ढाका से चिटागोंग एक रेलवे चलाई जा रही है सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट के लिए। और फिर आपको ये भी बताएं कि 2 से 3 और साउथ कोरिया से जो आएंगी रेलवे के रिलेटेड जो रेल ट्रेन आएंगी तकरीबन, हाँ, वो भी चलाई जाएंगी। उनकी इनॉग्रेशन जो पहली जो ट्रेन है उसका सितंबर में जो मेरा, हाँ जी, इनॉग्रेशन हो जाएगा। और ये जो है ढाका से चिटागोंग भी जाएगी और इसके बाद कॉक्स बाजार में। अच्छा, ये आप बताया जा रहा है जो रात को 9 बजे चलेगी वो सुबह जनाब 6 बजे अर्ली मॉर्निंग ये पहुंच जाएगी चिटागोंग, तो ये तो बड़ी सहूलत है बिल्कुल। और जो वो ट्रेन है उसमें पता नहीं भाई क्या कुछ है। बिल्कुल, उसमें देखिए उन्होंने कहा कि फुली ग्लास की बनी होगी, शीशे की बनी होगी फुली ट्रेन जो है। और इसके अंदर जो सीट्स हैं बड़ी कंफर्टेबल और बड़ी बड़ी सीट्स होंगी। आपने आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे, भी हमने पहले देखी थी कि वीडियो में कितनी अच्छी सीट। अच्छा, सामने एलईडी डिस्प्ले लगा होगा, वाईफाई होगा, एयर कंडीशनर होगी भाई बहुत अच्छा। आपको ना भूख लगेगी तो फिर आपको रेस्टोरेंट भी वहां पे जी बिल्कुल उसके अंदर मजे मजे के खाने खाएंगे आप। इल्सा फिश भी खा सकते हैं उसमें जी, क्योंकि भाई वो बहुत बड़ी लैविश किस्म की और वीआईपी उसके अंदर रूम बहुत अच्छी जो है। आपको ऐसे लगेगा कि आप कहीं शायद यूरोपियन कंट्रीज में किसी में ट्रेन में बैठे हुए हैं। इस तरह का वो ग्लास की होगी टोटल, उसमें बैठ के आप जो मर्जी नजारा कर सकते जी बिल्कुल, बांग्लादेश चीज को देख सकते हैं जी बिल्कुल। और जो है पहले जो, लेकिन आप हराम चीज को नहीं देख सकते जी बिल्कुल। कॉक्स बाजार में आपने पहले देखा कि टूरिज्म पॉइंट तो बन चुका था कॉक्स बाजार, लेकिन मुझे आपको वो हराम चीज आ गई है जहन में। फिर यार इस तरह की बात कर देनी चाहिए ताकि क्लियर हो जाए हर चीज। जी जी ठीक है, वो चीजें नहीं देखिएगा जो एहसान साहब कह रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि जो है कॉक्स बाजार पहले से जो है वो बन चुका था टूरिज्म पॉइंट, तो लेकिन वहां पे मॉल्स वगैरह भी नहीं थे और उसके ऊपर भी होपफुली जल्दी काम शुरू हो जाएगा। और वहां पे जो है बार पब वगैरह भी बन जाएंगे और फिर वहां पे टूरिस्ट आते हैं, बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं। इतना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा बीच है, 156 किलोमीटर जिसकी लेंथ है। और उसके बाद जो ट्रेन है ये उसका मजा दुबला कर देगी, उसको टूरिज्म को बढ़ाएगी। यार ये बांग्लादेश का भी तो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जी बिल्कुल। बांग्लादेश का नहीं सर, इस टाइप का पूरी दुनिया में अभी तक कहीं भी रेलवे स्टेशन मौजूद नहीं। बड़ी बड़ी बड़े बड़े ममालिक में होती है ना, डेवलप्ड कंट्रीज में होती है, स्विट्जरलैंड में आपको नजर आएगा, नेदरलैंड में आएगा आपको, अमेरिका में, चाइना में। एंटीक किस्म का इसका डिजाइन बनाया जा रहा है कि इस टाइप का अभी तक पूरी दुनिया में कोई भी मॉडल तैयार नहीं हुआ जिस तरह का ये रेलवे स्टेशन बनाया। चलिए हमने बातें तो बहुत करती है लेकिन अब भाई अब देख भी लें जी, पहले हम वीडियो देखते हैं फिर। आपने परेशान हो जाना, उकता जाना, आपने चले जाना, वीडियो नहीं देखनी आपने, कहना ये खुद ही बातें करते रहते हैं, दिखा नहीं रहे, ये भी बात गलत है, आए चले वीडियो देख, पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। कमेंट सेक्शन में आपने फीडबैक देनी है कि ट्रेन आपको कैसी लगी और आप इसमें कब झूला ले रही हैं इनॉग्रेशन की बात, तो वीडियो देखते हैं 3, 2, 1 एंड क्यू। প্রস্তুত কক্সবাজারে যাবার ট্রেন, প্রস্তুতির শেষ পর্যায়ে কক্সবাজারের আইকনিক রেল স্টেশন। প্রথম ট্রেন সময়সূচিও প্রায় চূড়ান্ত। কমলাপুর স্টেশন থেকে নতুন একটি ট্রেন রওনা দেবে কক্সবাজার। এটি হবে পর্যটন গন্তব্য কক্সবাজারে যাওয়া প্রথম ট্রেন। সবশেষ দক্ষিণ কোরিয়া থেকে আনা 147টি মিটার গেজ কোচ দিয়ে নতুন ট্রেনগুলোর রেক কম্পোজিশন সাজানো হচ্ছে। অর্থাৎ নতুন কোরিয়ান কোচ দিয়ে সাজানো একটি ট্রেন ঢাকা থেকে প্রথম কক্সবাজার যাবে। রেলওয়ে জানিয়েছে প্রথম তাদের পরিকল্পনায় একটি ট্রেন, কারণ কোচ সংকট ও ইঞ্জিন স্বল্পতার কারণে চাইলেও অতিরিক্ত ট্রেন চালানো সম্ভব হবে না। পর্যায়ক্রমে ট্রেন সংখ্যা বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে রেলওয়ের। সবশেষ দক্ষিণ কোরিয়া থেকে আমদানি হওয়া 147টি মিটার গেজ কোচ দিয়ে নতুন ট্রেনগুলোর রেক কম্পোজিশন সাজানো হচ্ছে, যা যাবে কক্সবাজার। জানা গেছে পূর্বাঞ্চল রেলের পরিকল্পনা অনুযায়ী ঢাকা থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত ট্রেন সার্ভিসের জন্য রেল ভবনে 2টি সময়সূচি পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম প্রস্তাব অনুযায়ী ঢাকা চট্টগ্রাম কক্সবাজার ট্রেন নম্বর 1
ঢাকা থেকে রাত 8:15 কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাবে। ট্রেনটি কক্সবাজার আইকনিক রেল স্টেশনে অর্থাৎ কক্সবাজারে গিয়ে পৌঁছাবে ভোর 5:30 অর্থাৎ 5:30। ফিরতি পথে কক্সবাজার থেকে সকাল 10:00 ছেড়ে ঢাকায় পৌঁছাবে সন্ধে 7:15। দ্বিতীয় প্রস্তাব যেটা করা হয়েছে সেটা ঢাকা চট্টগ্রাম কক্সবাজার ট্রেন নম্বর 2। ঢাকা থেকে ট্রেনটি রাত 11:50 অর্থাৎ 11:30 ছেড়ে কক্সবাজারে পৌঁছাবে সকাল 9:30 9:30। ফিরতি পথে একই ট্রেন কক্সবাজার থেকে দুপুর 12:45 ছেড়ে ঢাকার কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে এসে পৌঁছাবে রাত 10:00। এটি কক্সবাজারের সেই আইকনিক রেল স্টেশন যার কাজ শেষ পর্যায়ে, উপরের শেডের কাজ শেষের দিকে, প্রস্তুত নিচের প্ল্যাটফর্ম প্যাসেঞ্জার লাউঞ্জ। এবার রেলপথ ইস্যু। রেল প্রকল্প সূত্র জানিয়েছে ঢাকা থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত ট্রেন চলাচলের জন্য চট্টগ্রামের দোহাজারি পর্যন্ত আগে থেকেই রেল লাইন আছে। দোহাজারি থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত 100 কিলোমিটার রেলপথের কাজ শেষ পর্যায়ে, এখন পর্যন্ত সেখানে 85 কিলোমিটার রেলপথ কাজ শেষ হয়েছে। আর কক্সবাজারের যে মূল স্টেশন, বাংলাদেশের সবচেয়ে সুন্দর রেল স্টেশন, বাংলাদেশের সবচেয়ে সুন্দর এই রেল স্টেশনটির কাজের অগ্রগতি 86%। সব মিলিয়ে রেল প্রকল্প ঢাকা থেকে কক্সবাজার যে রেল, তার অগ্রগতি 86% এবং বাকি 14% কাজ এই সেপ্টেম্বরের মধ্যেই শেষ করা হবে এবং সেপ্টেম্বরেই ঢাকা থেকে প্রথম ট্রেন কক্সবাজার নিয়ে যাওয়া হবে। 2010 সালে চট্টগ্রামের দোহাজারি থেকে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু থেকে মিয়ানমারের কাছে গুমদুম পর্যন্ত 128 কিলোমিটার রেলপথ নির্মাণ প্রকল্প নেওয়া হয়। পর্যটন নগরী কক্সবাজারে যাতায়াত সহজ করার পাশাপাশি মিয়ানমার সহ ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ে এর সঙ্গে বাংলাদেশকে যুক্ত করাই ছিল। আপনি দেখা কিস তরহ সে ইয়ে ট্রেন দিখায়েগি ইসে ভি বড়কর জো আবি ইসে বাদ ওয়ালি জো ট্রেন হোগি ও জব ইম্পোর্ট হোগি শায়েদ চাইনা সে হো রহি হ্যায় ও ইম্পোর্ট সাউথ কোরিয়া সে সরি তো ও ইসে জ্যাদা ল্যাভিশ হোগি উসমে জো হ্যায় ও আপকো এলইডি বার সামনে মিলেগি ও ডিসপ্লে মিলেগা ইতনা বড়া উসকে উপর আপ আপনি হেডফোন লগাইয়েগা 1080 রেজোলিউশন সে দেখ সকতে হ্যায় জি বিলকুল বহুত আচ্ছা জো আপ ওয়াহাঁ পে ডিসপ্লে মিলেগা ওয়াইফাই ফ্রি হোগা আপ এনজয় করতে যায়েঙ্গে আপনে সফর কো আপ এনজয় করেঙ্গে পতা হি নি চলেগা ইতনা সফর কব কট গয়া কব নাহি কটা ওর ইয়ে দেখে বাংলাদেশ কে লিয়ে বড়ি অচিভমেন্ট আর বাংলাদেশ আপনে টুরিজম কো জ্যাদা বড়াওয়া দে রহা হ্যায় বাট জ্যাদা বড়োতি দে রহা হ্যায় উসে জ্যাদা ইনক্রিজ কর রহা হ্যায় ইয়ার ভিউ দেখে না অ্যাট্রাকটিভ চিজে বানা রহা হ্যায় সবই চিজে इसीलिए तो उसने जो रेलवे स्टेशन बना रहा है ना वो एशिया में मैं तो कहता हूँ कि इस तरह का नहीं होगा बिल्कुल और जितना उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है और आपने खुद देखा कि बिल्डिंग कितनी खूबसूरत है वाकई में बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स लगेगा शॉपिंग मॉल की तरह उसमें एक फीलिंग आएगी और फिर उसमें आप देखें कि होटल भी बड़े आलीशान होगा उसमें जो पैसेंजर्स हैं वो रह सकेंगे और फिर जब आप उस रेलवे स्टेशन के ऊपर आप वेटिंग एरिया एक ऐसा खूबसूरत बनाया जाएगा जो आपको सोच भी नहीं सकते जो आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा यानी बांग्लादेश ऐसे ऐसे काम कर रहा है जो वेस्टर्न कंट्री में होते हैं यानी बांग्लादेश अगर बात करें साउथ एशिया का वेस्टर्न कंट्री है तो कहना गलत नहीं बिल्कुल बांग्लादेश जो है वो हमारे साउथ एशिया का समझ लें कि न्यूयॉर्क स्विट्जरलैंड समझ लें न्यूयॉर्क समझ लें इस तरह की सिटी कॉक्सबाजार तो स्विट्जरलैंड ही है ना बड़ा खूबसूरत है यार कंट्री में आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता अभी तो डेवलपिंग अंडर डेवलपिंग है लेकिन होपफुली जल्दी से जल्दी वो डेवलप हो जाएगा और बांग्लादेश का हम बड़ी जल्दी विजिट भी करेंगे और हम भी देखेंगे बांग्लादेश किस तरह का इसी ढाका से जब इंशाल्लाह हमने जाना है तो इसी ट्रेन में इसी रेलवे में बैठ के हम जाएंगे जनाब बिल्कुल चिटागांग फिर देखेंगे रात का सफर करते हैं या दिन का करते हैं वो तो डिपेंड करता है हमारी वाइफ के ऊपर मिलेंगे जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।